हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद अंकित पर। और आज के इस वीडियो में हम NTA UGC नेट पेपर वन के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसी के सीरीज में ये थर्ड लेक्चर है जिसमें आज हम पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को कंटिन्यू करेंगे। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये दोनों जो है रिसर्च के अप्रोच है। अप्रोच का क्या मतलब होता है कि रिसर्च तक पहुंचने का तरीका। अप्रोच का मतलब होता है हम किस तरीके से वहां तक पहुंच सकते हैं, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। कोई हम अगर रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, हमारा कोई क्वेश्चन है रिसर्च का, या PhD में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारी रिसर्च हमारे क्वेश्चन से लेके हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी, फाइनल जो हमारे रिजल्ट आएंगे, उस तक पहुंचने का क्या तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर उसके दो तरीके दिए हुए हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, और जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है? क्योंकि भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं जब तक कि आपको कुछ समझ में ना आए, है ना। तो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिविज्म के बारे में ये भारी भरकम बातें लिखी हुई हैं जिन्हें आपको पढ़ना होगा और समझना होगा, लेकिन एग्जाम में आप अगर इसको डायरेक्ट ऐसे पढ़ेंगे तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल अच्छा सा एग्जाम्पल जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। पॉजिटिविज्म, पहले हम पॉजिटिविज्म को समझेंगे, तब पोस्ट पॉजिटिविज्म को समझेंगे। क्यों? क्योंकि पहले पॉजिटिविज्म आया है और बाद में पोस्ट पॉजिटिविज्म आया है। पोस्ट का मतलब बाद में, जब कोई चीज बाद में आई है तो उससे पहले क्या कंडीशंस रही होंगी जिसके कारण पोस्ट पॉजिटिविज्म को आना पड़ा। तो पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, पोस्ट पॉजिटिविज्म को। तो चलिए हम पहले से एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर बाद में यहाँ पे जो ये बातें लिखी हुई है जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काफी बोल्ड लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, भारी भरकम से चीजें दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल ईजी हो जाएंगे आपके लिए। पहले आप एग्जाम्पल समझें। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत है और मैं आपको पहले इसे ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे रख लेते हैं इस तरीके से। देखिए दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, साइंटिफिक वर्सेस थियोलॉजिकल। साइंटिफिक का क्या मतलब होता है, साइंटिफिक जो चीजें होती हैं वो फैक्ट के बेसिस पे प्रूफ की जा सकती हैं, जिनके पीछे कोई एक लॉजिक होता है, किसी काम को करने का क्या लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दिख रहे हैं। एक में आपको अर्थ दिखाई दे रही है, हमारी पृथ्वी है, लेकिन ये कैसी दिखाई दे रही है, फ्लैट बिल्कुल, जो कि ऐसी है नहीं। दूसरी है थियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, दूसरा थियोलॉजिकल का मतलब होता है अगर कोई भी घटना घट रही है, कोई भी फिनोमिना अगर हो रहा है तो उसके पीछे हम क्या लॉजिक लगाएं, हम ये लॉजिक लगाएं कि ये सारी चीजें भगवान कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं। तो ये होता है साइंटिफिक लॉजिक थियोलॉजिकल। और साइंटिफिक क्या होता है, हम उस आंसर पे क्या है सवाल उठाएं कि अगर भगवान ऐसा कर रहे हैं तो भगवान कहाँ है, कैसे हैं, उन्होंने कैसे किया, कैसे दिखते हैं। तो ये होता है साइंटिफिक। तो मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल को आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, देखिए उस पहले क्या हुआ करता था, आज के समय में तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, वो जियोड शेप में है, जियोड शेप में है, और हमारी अर्थ जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। लेकिन पहले जो पश्चिम से जो विचार निकले हैं वो सभी क्या मानते थे, जैसे आपने थेल्स, थेल्स का नाम सुना होगा, थेल्स का, अनैक्सिमेंडर का, तो ये लोग क्या माना करते थे कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, वो फ्लैट है। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार से ऐसे मानते थे कि हम देखिए हम सरफेस पे चलते हैं तो हमें फ्लैट चीज हमें दिखाई देती है, हमें ना कि अर्थ जो है वो राउंड शेप में दिखाई देती है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, जिसके चलते हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनको ऐसा लगा कि क्या है, अर्थ हमारी फ्लैट शेप में है। ठीक है, फ्लैट शेप में है। दूसरा, अगर इससे हम बाहर चले गए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पानी गिर रहा है यहाँ से, अगर हम इससे बाहर चले गए तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि हम नीचे गिर जाएंगे अगर इससे बहुत ज्यादा हम बाहर चले गए। तो इसके चलते क्या होता था, लोग अपने एरिया को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहते थे, उन्हें लगता था पानी में बहकर वो नीचे गिर जाएंगे। क्यों लगता था, क्योंकि वो प्रूफ नहीं थी बातें, क्योंकि वो उनकी भगवान की मान्यताओं पर आधारित थी कि भगवान ने अर्थ को बनाया है, और अर्थ को उन्होंने कैसा बनाया है, एक फ्लैट शेप में बनाया है, जिसके चलते अगर हम बाहर गए तो बाहर हम क्या है, पानी से बह करके, झरने से बह के नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, ये हो गई थियोलॉजिकल बात। कैसी ये बात, ये थियोलॉजिकल बात है, ये ईश्वरवादी बात है। ठीक है, बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। क्या ये साइंटिफिक है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिक। लेकिन बाद में जो रिसर्च हुई है, बाद में जो आगे चल के काम हुए हैं, उनके चलते क्या बताया गया, हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, राउंड शेप में है, संतरे के आकार की पहले बोला गया। तो ये किस तरीके से प्रूफ हुआ,
तो ये प्रूफ हुआ। देखिए यहाँ पे चांद का आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, चंद्रमा की अलग अलग शेप दिखाई दे रही है, जिसमें कभी जो है चंद्रमा पूर्णमासी के दिन पूरा दिखाई देता है, अमावस्या को पूरा छुप जाता है, और बीच में कई बार पूरे महीने में ऐसा होता है कि चांद की अलग अलग शेप आपको दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य के बीच में, ये मान लीजिए यह है सूर्य, ठीक है, यहाँ पर है पृथ्वी और इधर होगी चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्रमा चंद्रमा में क्या होता है, पृथ्वी की परछाई पड़ती है। अब पृथ्वी कैसी है, राउंड शेप में है, ठीक है, संतरे के आकार की, जैसा कि उन्होंने बताया। अब किसी चीज की अगर शेप जैसी होगी तो उसकी परछाई भी वैसी ही पड़ेगी। अगर पृथ्वी की परछाई, पृथ्वी जो है वो एक स्क्वायर शेप में होती तो उसकी परछाई भी चंद्रमा पर कैसे पड़ती, उसकी परछाई भी स्क्वायर शेप में ही पड़ती। तो इस चीज को जब ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने, उस समय के जो विचारक थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने जब ऑब्जर्व किया इस चीज को कि चंद्रमा पे जो है उसकी आकृति जो है कैसी बनती है, वो राउंड शेप में दिखाई देती है हमें, तो इसका मतलब है पृथ्वी की जो आकृति होगी वो भी कैसी होगी, वो भी राउंड शेप में होगी। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड हमारी जो बातें हैं, ठीक है, ये फैक्चुअल प्रूफ हो चुका है। जब हमने और रिसर्च करी, जब हम आगे बढ़े, हमने सैटेलाइट छोड़ी, तो उससे हमें जो इमेज मिली वो हमें कैसे मिली, कि हमें प्रूफ हो गया कि अर्थ जो है वो राउंड शेप में है, और हम कहीं से भी अगर जाएं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो ये बातें थी पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को अब हम इस एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऑगस्ट कॉम्टे जो थे वो पॉजिटिविज्म के फादर कहे जाते हैं, ठीक है। ये फ्रेंच फिलोसोफर थे, फ्रेंच विचारक थे ऑगस्ट कॉम्टे। इन्होंने पॉजिटिविज्म को इंट्रोड्यूस कराया। इनका पॉजिटिविज्म को इंट्रोड्यूस कराने का क्या उद्देश्य था? तो जो भगवान से चली आ रही मान्यताएं थी, भगवान से आस्था से जुड़ी हुई, हमारे धर्म परंपराओं से, और जो चर्च की मान्यताएं चली आ रही थी, जिसमें चर्च की मान्यता में उन्होंने बताया था, जो फादर हुआ करते थे, तो उन्होंने बताया कि जितने भी घटनाएं घटती हैं, ठीक है, और माउंटेन हो रहे हैं, और ये जो समुद्र है, बारिश पड़ रही है, बिजली का चमकना, ये सारी जो भगवान की मान्यता है, भगवान की देन है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नहीं, जो सारी घटनाएं घट रही हैं, जो जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या है, वो सारे नेचुरल लॉज हैं, यानी कि प्राकृतिक नियम है, जिनके आधार पर सभी चीजें घट रही हैं। ऐसी जो ईश्वरवादी घटनाएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजों को साइंटिफिक प्रूफ किया जाना चाहिए, ठीक है। जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनको हटा के हमें क्या करना चाहिए, साइंटिफिक चीजों को प्रूव करना चाहिए। कैसे? हमारे ऑब्जर्वेशन के बेस पे। अब ये जो पॉजिटिविज्म है, इससे हमें ये समझ में आता है कि पॉजिटिविज्म क्या है, ये साइंटिफिक मेथड की तरफ हमें ले जाने की कोशिश करता है, और जो फैक्ट हैं उनको एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ ये क्या करते हैं, जो थियोलॉजिकल और हाइपोथेटिकल चीजें हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जिसमें पहले क्या मान्यताएं चला करती थी कि जो पृथ्वी है वो कैसी है, राउंड शेप में ना होकर के वो एक फ्लैट सरफेस है, जिससे हम आगे चलेंगे तो धीरे धीरे हम गिर जाएंगे नीचे। इसी कारण से क्या होता था, जो लोग हैं वो दूर दूर ट्रेवल करने में उन्हें परेशानी होती थी, प्रॉब्लम होती थी, और वो डरते थे, ठीक है। और पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या कहती है, पॉजिटिव अप्रोच कहती है कि फैक्ट और ट्रूथ क्या है, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे हमारी सेंसेस जो है वो महसूस कर सकती है, वही चीज क्या है, वही चीज फैक्ट है, वही चीज ट्रूथ है, और उसी चीज को हमें अपनाना चाहिए, ठीक है। और ट्रूथ क्या है, जैसा कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके पीछे कोई लॉजिक होता है, जिसके पीछे कोई रीजन होता है। जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है, वो ट्रूथ नहीं है, उसे बिल्कुल भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं, साइंटिफिक नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसी जो चीजें होती है वो हमारी रिसर्च के लिए हानिकारक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारी रिसर्च में अगर बिना फैक्ट, बिना साइंटिफिक चीजें अगर हम इंक्लूड करेंगे, तो वो आगे चल के समाज के लिए कैसी होंगी, वो नेगेटिव एक अप्रोच हमारे समाज के लिए पैदा करेंगी, ठीक है। और जो पॉजिटिविज्म है वो ऐसी इमेजिनेशन को दूर करता है जो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो सकती है। साइंटिफिकली प्रूफ होने का क्या मतलब है, वो आपको भी मैंने समझा दिया है, कि जिन चीजों के पीछे कोई लॉजिक हो, जिन चीजों के पीछे हमारे, जिन चीजों को हमारी जो सेंसेस हैं वो ऑब्जर्व कर सके, ठीक है, वही चीज क्या है, साइंटिफिक है पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है, पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या कहती है कि ये एम्फेसिस करती है किस पर, क्वांटिटेटिव और एम्पेरिकल मेथड पे। क्वांटिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव का मतलब है कि ऐसी कोई भी रिसर्च, ऐसी कोई भी जो इंक्वायरी है वो क्या करे, वो क्वांटिटेटिव हो, यानी कि नंबर्स के बेस पे। तो पॉजिटिविज्म क्या है, नंबर्स पे बेस्ड होती है, कि कितने प्रतिशत सच है, कितने प्रतिशत झूठ है, क्या ये चीजें सच है, क्या ये चीजें झूठ है। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है पॉजिटिविज्म।
दूसरी तरफ क्या है, ये एम्पेरिकल भी इसे हम कहते हैं, एम्पेरिकल क्वांटिटेटिव और पॉजिटिविज्म, ये तीनों ही चीजें एक एक ही चीज पे, एक ही रास्ता इनका चलने का, ठीक है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया है, इससे पूछा गया है कि जो पॉजिटिविज्म है या एम्पेरिकल है वो किस चीज पे बेस्ड है, तो एम्पेरिकल किस पे बेस्ड है, पॉजिटिविज्म पे, पॉजिटिविज्म किस पे बेस्ड है, एम्पेरिकल और क्वांटिटेटिव पे, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब है नंबर्स के फॉर्म में जब हमारे पास फाइनल आंसर आते हैं तो वही चीज क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव कहलाती है। यहाँ पर क्वांटिटेटिव में जो हमारी पूर्व धारणाएं होती हैं, जो हमने भगवान से रिलेटेड और जो ईश्वर से रिलेटेड जो अपनी धारणाएं बनाई हैं कि जो भगवान है इंद्रदेव है वो बारिश कर रहे हैं, ठीक है, और अग्निदेव आते हैं सबका सर्वनाश करते हैं, ज्वालामुखी का अगर उद्गार हो रहा है तो वो सबका जो पाप का सर्वनाश करने के लिए हो रहा है, तो इस तरीके की जो बातें हैं इसको ये बिल्कुल अलग करते हैं। और जो हमारी बायसनेस है, बायसनेस का क्या मतलब है, जो मैंने आपको कल समझाया था, हमारी किसी चीज को लेकर पूर्व धारणा, यानी कि जैसे मान लीजिए एक क्लास है, क्लास 10th है, उसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, ठीक है। अगर हम ये मान लें बिना किसी ऑब्जर्वेशन के, बिना किसी एनालिसिस के, कि जो सेक्शन ए है वो बिल्कुल उसके सारे बच्चे क्या है, बुद्धू है, और जो सेक्शन बी है वो सारे होशियार हैं, तो ये क्या है, ये क्या है, हमारी बायसनेस है। हमने बिना टेस्ट के, बिना ऑब्जर्वेशन के ये मान लिया कि सारे बच्चे सेक्शन ए के बुद्धू हैं, सारे सेक्शन बी के क्या है, होशियार है, तो ये कैसा है, ये बायसनेस है हमारी। वही जो पॉजिटिविज्म है वो क्या करेगा, वो एम्पेरिकल होगा, क्वांटिटेटिव होगा। हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनको एक टेस्ट पेपर देंगे, टेस्ट पेपर से जो फाइनल आंसर आएंगे उसके आधार पर हम बताएंगे कि पर्टिकुलर क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक स्टैंडर्ड आईक्यू लेवल को टच करते हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी और ज्यादा फिनिशिंग की जरूरत है, ठीक है। और फाइनल आंसर हमारे पास जो आएंगे वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होंगे, ऐसा नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, कितने फाइनल आंसर आएंगे कि कितने बच्चे यहाँ पे इनका एक लेवल अच्छा है, कितने बच्चे ऐसे जिनको और मेहनत की जरूरत है, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिविज्म, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और पॉजिटिविज्म के माध्यम से हम क्या करने का प्रयास करते हैं, हम प्रयास करते हैं सोशल रिकंस्ट्रक्शन का, कि जो पहले से मान्यताएं चली आ रही थी भगवान से रिलेटेड वो सारी क्या है, उनको खत्म करना, और साथ ही साथ समाज को, सोसाइटी को एक साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके आधार पे रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो ये है पॉजिटिविज्म। अब पॉजिटिविज्म जो है वो केवल और केवल उन्हीं बातों को फोकस करता है जो साइंटिफिक प्रूफ हो सकती है, जिनको हमारे जो सेंसेस हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। पॉजिटिविज्म कहता है कि जिन चीजों को हमारी सेंसेस जो है, हमारी जो सेंसेस है, ऑर्गन है, वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो क्या है, साइंटिफिक नहीं है, वो लॉजिक बेस्ड नहीं है, ठीक है। अब इस चीज को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिजिड हो सकता है, ये बहुत ज्यादा सख्त है, इस चीज को क्या है, सुधारने के लिए, इसमें अमेंडमेंट करने के लिए क्या आया, पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट का मतलब है बाद में, किसके बाद में, जो पॉजिटिविज्म आ गया उसके बाद में जो एक थ्योरी आई, जो विचार आया वो क्या आया, पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है, इसको भी हम पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर बाद में इन भारी भरकम बातों को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिविज्म क्या कहता था, कि जो हमारे सेंसेस जिनको सेंस कर सकती है वही चीज क्या है, ट्रुथ है, वही चीज क्या है, साइंटिफिक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमारी सेंसेस क्या कर सकती, नहीं कर सकती है ऑब्जर्व, ठीक है, हमारी सेंसेस उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देख रहे हैं, यहाँ पे लाइट का स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो सनलाइट है, उस सनलाइट में हमें जब रेडिएशन के माध्यम से सनलाइट हमें मिलती है हमारी अर्थ सर्फेस पे, तो सनलाइट में कई तरीके की वेवलेंथ होती है, कई तरीके की किरणें होती हैं, जैसे वाई रेज, एक्स रेज, यहाँ पे गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, इंफ्रारेड है, बीच में यहाँ पे विजिबल रेज है, ये विजिबल रेज, ठीक है। विजिबल रेज का फिर पूरा स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें विब्योर हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा होगा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है, और जो लॉन्ग रेडियो वेव है यहाँ पे, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है इस तरीके से। लेकिन हमारी जो सेंसेस है, हमारी जो आंखें हैं, वो किसको देख पाती हैं, क्या ये पूरे इस पूरे भाग को स्पेक्ट्रम के देख पाती है, तो बिल्कुल नहीं, जवाब है नहीं, हम लोग इसको नहीं देख सकते, हमारी जो ह्यूमन आई है वो इस पूरे स्पेक्ट्रम को नहीं देख सकती, बल्कि हम किसे देख सकते हैं, केवल इस छोटे से भाग को, जिसकी वेवलेंथ होती है 0.4 से 0.7 माइक्रो नैनोमीटर, ठीक है। तो इस स्पेक्ट्रम के इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम, हम इस स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं, जिसमें हमें ये 7 कलर ही दिखाई देते हैं और इन्हीं से मिलजुल कर बाकी कलर भी बनते हैं। तो क्या ये बाकी चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है, एग्जिस्ट करती है। तो पॉजिटिविज्म तो कहता है कि जिन्हें हमारे सेंसेस ऑब्जर्व नहीं कर सकती है वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है,
इसी चीज को सुधारने के लिए कि नहीं भाई, ऐसे भी कई चीजें होती है जिन्हें हमारी सेंसेस ऑब्जर्व नहीं कर सकती, वो हमारी ऑब्जर्वेशन से परे होती हैं। तो इन चीजों को क्या कहा जाएगा कि ये पोस्ट पॉजिटिविज्म है, ठीक है, कि जो चीजें हमारे कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हमारे ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हम, उन्हें क्या कहते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर सॉरी तो यही चीज यहाँ पर पोस्ट पॉजिटिविज्म में लिखी है कि इसमें क्या है, जो ह्यूमन वैल्यूज होती है, हाइपोथेसिस होती है और जो हमारी बैकग्राउंड नॉलेज होती है, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया। साथ ही साथ इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीजों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया और बताया गया कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल से समझाया मैंने, कि जिनको हमारे सेंसेस ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम कुछ चीजें ऐसी होती जो हमारी समझ, हमारी जो एक लिमिट होती है, हम हर चीज की क्या है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट के परे कुछ भी काम नहीं हो सकता है। तो वैसे ही पोस्ट पॉजिटिविज्म की उस बात को सुधारने के लिए कि हमारे जो सेंसेस है वो हर चीज ऑब्जर्व नहीं कर सकती है, पोस्ट पॉजिटिविज्म आया। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है, इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही मेथड को इसमें इंक्लूड किया गया। क्वालिटेटिव मेथड में जो हमारी पूर्व मान्यताएं होती हैं, ठीक है, जिसमें हम मानते हैं कि जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर यह एग्जांपल दिया है, तो इसमें पूर्व मान्यता हमारी क्या, हमारी जो कुछ मान्यता ऐसी क्या हो सकती है, हमारी जो बायसनेस है या फिर हमारी जो थिंकिंग है वो क्या हो सकती है, हम ये भी सोच सकते हैं कि नहीं ऐसा है कि जो स्पेक्ट्रम लाइट है, जो हमें जो लाइट दिखाई दे रही है, जो हमें कलर दिखाई दे रहे हैं, क्या वही सारी चीजें हैं या इसके अलावा भी कुछ और चीजें हो सकती हैं। तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो अप्रोच अपनाता होगा व्यक्ति, वो क्या कहेगा कि नहीं ऐसा हो सकता है कि हमें ये जो पर्टिकुलर चीज है वो रेड दिखाई दे रही हो, लेकिन किसी और स्पीशीज के लिए वो कुछ और कलर हो, क्या ये चीज सही है जो हम चीज सोच रहे हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ हमें इशारा करती है। तो इस तरीके से ये पोस्ट पॉजिटिविज्म हम समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब यहाँ पे अगर हम इसको कंपेरिजन करके देखें पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को, तो पॉजिटिविज्म जो होता है वो कैसा है, वो क्वांटिटेटिव अप्रोच को अपनाता है। क्वांटिटेटिव मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमन जो वैल्यूज होती हैं उनकी कोई भी जगह नहीं होती, यहाँ पे केवल नंबर्स की वैल्यू होती है और एम्पिरिकल की वैल्यू होती है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट होता है वही चीज की यहाँ पे वैल्यू होती है, ठीक है। नंबर्स के फॉर्म में जो आंसर आते हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वही चीजों की यहाँ पे वैल्यू होती है। दूसरी तरफ जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीजें यहाँ पे अपनाई जा सकती हैं, ठीक है। जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। पॉजिटिविज्म में जब देखिए क्वांटिटेटिव चीजें होंगी तो यस और नो में, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो नंबर्स के फॉर्म में होगी, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, किसी चीज का क्लियर कट आंसर देना ही ऑब्जेक्टिव बात होती है। तो यहाँ पर पॉजिटिविज्म क्या है, वो ऑब्जेक्टिव होती है। दूसरी तरफ जो पॉजिटिविज्म होगी, जहां पर ह्यूमन वैल्यू जहां पर भी इंक्लूड हो जाएगी, वहां पर सब्जेक्टिव चीजें हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि जैसे मैंने अभी इसके ये वाला एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया था कि जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट होगा वो ये सोचेगा कि हमारे जो हमें जो कलर दिखाई दे रहा है क्या वो सही है, या फिर दूसरी स्पीसीज के लिए वो कैसा है, तो ये कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव आंसर है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिविज्म क्या है, साइंटिफिक है, और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, वो ह्यूमनिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन है उसकी वैल्यू को भी इंक्लूड किया गया है। पॉजिटिविज्म में एक्सपेरिमेंट सॉरी पॉजिटिविज्म में एक्सपेरिमेंट को, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड इसमें रिसर्च होती है, तो एक्सपेरिमेंट को, एक्सपीरियंस को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। और दूसरा जो पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है, इसमें ह्यूमन वैल्यू को और क्वांटिटेटिव चीजें होती हैं, उन दोनों को इंटरप्रेट करके उन दोनों की फिर फाइनल आंसर हमारे यहाँ पे निकाला जाता है। पॉजिटिविज्म कैसी है, वो ट्रेडिशनल है, तो वो पहले पॉजिटिविज्म आया, फिर बाद में जाके मॉडर्न जो है वो रिएक्टिव, उसके रिएक्शन में कि ऐसा नहीं है, कुछ चीजें हैं जिनकी लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है, वैसे ही जो ह्यूमन सेंसेस है उनकी भी क्या है, एक लिमिट है। तो बाद में पोस्ट पॉजिटिविज्म आया, इसलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, वो मॉडर्न है। इसके अलावा जो यहाँ पर डिडक्टिव और इंडक्टिव चीजें लिखी हुई है, कि पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो डिडक्टिव होता है, यानी कि हमने कोई एक एक अपना यहाँ पे क्या है, धारणा बनाई, एक हमारे पास जब हम छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है डिडक्टिव। अब छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जब हम क्या करते हैं, सॉरी
जब हम छोटे लेवल पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और उस माइक्रो लेवल से हम मैक्रो की तरफ बढ़ते हैं, बड़े लेवल की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो वो कहलाती है इंडक्टिव अप्रोच। क्या कहलाती है? इंडक्टिव अप्रोच, यानी पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ। ये है पर्टिकुलर से किसकी तरफ? जर्नल आंसर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वो कहलाती है इंडक्टिव अप्रोच। और इसको हम जब रिसर्च के टाइप पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बताऊंगा कि इंडक्टिव और डिडक्टिव का क्या मतलब होता है, बिल्कुल डिटेल में। बस अभी इतना समझ लें, पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जब हम अप्रोच करते हैं तो वो होती है पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। वहीं जब हम जर्नल से, अब जब हम इसका उल्टा कर देंगे, जर्नल आंसर से फाइनल आंसर जो है पर्टिकुलर होगा उसकी तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो वो होती है डिडक्टिव अप्रोच, यानी कि पॉजिटिविज्म। ठीक है, ये सारी चीजें थी पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में। इसके अलावा अगर आप हमारा पेपर 2 ज्योग्राफी का ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, सारे टॉपिक के, यूजीसी नेट का जितना भी सिलेबस है, सभी टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे। वीडियो लेक्चर आपको मिल रहा है उसमें, और PDF नोट्स आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, PDF नोट्स, और 10 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन उसमें दिया जा रहा है आपको। तो अगर आप चाहें तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल मिनिमम फीस में। और ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका नंबर है ये 7983188239 पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा लें कि आपको अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आप तक पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।